अरे हलकट, ये नया दौर क्या लगाया है? सब नए नए लड़के लड़कियों से काम करवाएगा क्या? तो ये पुराने आर्टिस्ट क्या करेंगे? धबड़ 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 करेंगे क्या? मौसी जी, why are you just talking? Stop this talking. नया दौर है, नया है जमाना। यहाँ दोस्ती नहीं चलती, चलता है तो सिर्फ दोस्ताना। तेरे इस दोस्ताने का साथ निभाऊंगा, तू एक कदम बढ़ा, मैं दो बढ़ाऊंगा, तेरे ससुराल में दामाद बनकर आऊंगा। तेरे सास बिना ससुराल में कोई भाई बाप नहीं है क्या? वैसे भी वो यहाँ तेरा चड्डी बड्डी बनने नहीं आया है, वो यहाँ आया है जोड़ियों के कबाब पे हड्डी बनने। बिग बॉस चाहते हैं कि आप सब अपने अश्लील बातों पर बीप लगाएं। अगर कॉमेडी सर्कस की बॉस ने सुन लिया तो शी विल टेक यू होम। नाउ पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड गिव अ लाउड अप्लॉज टू विंदु दारा सिंह के डॉलों की ट्रू इंस्पिरेशन अर्चना पूरन सिंह। बिंदु जी, हंसी के हल्क का वेलकम आपने किया, अब कॉमेडी के हैंडसम हंक का वेलकम मैं करूंगी। अब बिग अप्लॉज फॉर सोहेल खान। अर्चना जी, मैंने सुना था कि सीजन टू सीजन जजेस गायब करती हैं आप, आपके साथ वाले, लेकिन इस बार चलते सीजन में कोई बात नहीं, हम अपना पर्सनल जज खुद लेके आए हैं, अभी बुलाती हूँ। एक मिनट, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर गाइस? क्यों मेरी पेट पे लात मार रहे हो यार? एंकरिंग करना मेरा काम है, यहाँ की एंकरिंग मैं करूंगी। ए थकेली, अभी कबाब में ज्यादा हड्डी बनने की कोशिश मत कर, हमारा वेलकम कर और हाँ, हमको जगह पे जाकर बैठने को बोल। जी हाँ, आज है हमारा कबाब में हड्डी स्पेशल। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द हड्डीज। उषा नटकर्णी, रवि दुबे, विशाल, रुचा, बिंदु दारा सिंह एंड रागिनी खन्ना, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अर्चना, आपके लिए एक कबाब और हड्डी का इंतजाम हो गया है, क्योंकि आज हमारे शो पर आ रहे हैं द कास्ट ऑफ हम तुम शबाना। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम द वेरी टैलेंटेड श्रेयस तलपरे एंड द वेरी हॉट पिया त्रिवेदी। हम तुम शबाना आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी, प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द फिल्म। वेल, इट्स अ नाइस मसाला एंटरटेनर फॉर मी, आई थिंक इट्स अ ब्लॉकबस्टर। हां, डेफिनेटली इन सितंबर। डेफिनेटली। ओके भाई, आपकी फिल्म में एक बहुत धमाकेदार गाना है जिसमें पिया आपने डांस किया है, तो भाई हम आपको ऐसे तो जाने नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत डांस वांस हो जाए। आप अब जाके बैठिए अर्चना जी के पास और हम शो आरंभ करते हैं। एक्चुअली रोशनी, आई थिंक आई एम गोना सिट बिहाइंड। अर्चना, अब हम आपकी बचपन की यादें ताज़ा कराएंगे, आपके बचपन के खेल दिखाकर, कुश्ती, मारा मारी, WWF, चलिए देखते हैं आपकी टक्कर का कोई पहलवान यहाँ है इस अखाड़े में। प्लीज वेलकम कृष्णा, सुदेश एंड हड्डी विंदु एज रेसलर्स। आई विल किल एवरीबॉडी, आई एम द चैंपियन, द बेस्ट। नहीं समझे ना? इसलिए बोलता हूँ कम से कम बीए पास जज रखो यार। हाय गॉड, कौन है भाई ये? अरे अभी अभी तो देखा, बाहर चपड़ासी को बोल रहा था, मेरे को अंदर जाने दो, मेरे को अंदर जाने दो, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ। तो चपड़ासी ने भी कॉलर पकड़ लिया, बोला साले मेरे से बड़ा सेलिब्रिटी तू थोड़ी हो सकता है, चंकी पांडे से बड़ा सेलिब्रिटी। ऐसा वैसा मत समझना मेरे को तुम लोग। साला मन तो करता है कि कुर्सी नहीं, कुर्सी पर बैठने वालों को तोड़ूं पहले मैं। खैर, अभी मेरे को जिसके साथ फाइट करना है वो किधर है यार? क्या देख रही हो अर्चना? पूरे इंडिया में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक आप और एक मैं, जिन्हें पंच समझ ना आए तो भी चलेगा, लेकिन दांत दिखा देते हैं। दिखे दिखे दिखे। अरे मेरे दोस्त श्रियास, चल पड़े। अबे चल पड़े नहीं बे, तल पड़े। अबे तोतले, जो फिल्म इंडस्ट्री में चल जाता है उसे चल पड़े ही बोलते हैं। अंदर आ। हाँ, साला तू मेरे साथ लड़ेगा, आजा। आ। 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 हाथ मत लगाना,
नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। पापा! नीचे उतरो। भैया आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा बिंदु पुत्र अंडरवियर के साथ लड़ेगा। अंडरवियर? पापा ये अंडरवियर नहीं, बड़ा मशहूर रेसलर अंडरटेकर है और इससे मैं नहीं आप लड़ रहे हो। भाई ठीक है, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि भागने के लिए दरवाजा किधर है भाई। मूर्खो पहले बात सुन लिया करो, अगर ये भाग गया तो कौन जिम्मेवार है? भाई देख, ये मेरे साथ लड़ेगा। अरे यार तू लड़ना, इसको कह को भिड़े मेरे को। यही लड़ेगा तेरे साथ। पापा आप चिंता नहीं करो, बस आप तैयारी रखो। बेटे समझा कर, मैं तो इधर दही लेने आया था, तू इसे के साथ लड़ और हार के सीधा घर पे आना, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध गर्म करता हूँ। नहीं बाबा नहीं, ऐसे रोने का कोई फायदा नहीं, ये कोई बिग बॉस थोड़ी है जो रो रो के जीत जाएगा भाई। कौन है भैया? ये कौन है? ये मेरी गलती है। मूर्खो पहले बात पूरी सुन लिया करो, ये मेरी गलती है कि मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अच्छा। ये मेरा बेटा है बिंदु, ये इस फिल्म इंडस्ट्री की बहुत छोटी मोटी सेलिब्रिटी है। बेटे सुन, मैं इसके साथ लड़ूंगा लेकिन कुछ बातें तू ध्यान से सुन ले। बताओ पापा। तू रेफरी बहुत अच्छा बनना। हाँ जी। अगर तेरे दांत वगैरह टूट भी जाए तो इस बार मैं तुझे इससे भी बढ़िया लगवा के दूंगा। ठीक है ठीक है। क्या लड़ रहे? अच्छा स्टार्ट करता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, ठहर जा बेटे ठहर जा। जब मैं लड़ने लगूं, जब मारने लगे तो बीच में घंटी भी बजाना। ठीक है, घंटी पहले। गुड आइडिया, हिम्मत करके। राउंड थ्री। राउंड थ्री? हाँ थ्री। मूर्ख, आखिर तू बिंदु ही निकला। पहले वन टू राउंड किधर है भाई? पापा जी आपको पिटने से बचा रहा हूँ, डायरेक्ट राउंड थ्री, ये मेरा आइडिया है। अच्छा तेरा आइडिया, तो ठीक है चलो भाई। इधर आ, अब बजा घंटी सारे, अब बजा घंटी, अब बजा घंटी, बजा घंटी। अब तेरे को सारे मैं वो मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर तू याद रखेगा। अच्छा तू मेरे को मजा चखाएगा? हाँ। तो चखा, ये सैंडविच खा तो ये मजा आ जाएगा। हट, I will kill you. Nobody can save you today, Dara Singh. ओए, तू क्या समझता है? मेरे को अंग्रेजी समझ नहीं आती? समझा यार ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपको मार डालेगा, आपको मार डालेगा पापा। तू मुझे क्या मारेगा? तेरे से हारने के लिए तो मेरा बेटा ही काफी है। बेटा इधर आ, आज इससे मार खा खा के साबित कर दे कि तू मुझे कितना प्यार करता है। पापा, ये आप दोनों की फाइट है, स्टार्ट करो, एक्शन। नो बॉल। ये क्या कर रहा? हट। नो बॉल क्या होता है? नो बॉल तो क्रिकेट में होता है। ये समझता नहीं है, इसलिए मेरे को पंगा पा दिया। मैंने पहले कहा था मर्द को दर्द नहीं होता, और जब उसने स्टील की प्लेट पहनी हो तो बिल्कुल नहीं होता। मूर्ख, घर का भेदी लंका ढाए, इससे पहले ये मेरे सारे भेद खोल दे। आप नंबर खोल दो भाई, उठ जा भाई, शूटिंग पे भी जाना कल तू शेट्टी साहब की। बोलो मिलके श्रेयस। Outstanding यार, outstanding। रोने लग गया मैं हंसते हंसते यार। सुदेश जी, I am a huge fan of your work sir, and Krishna, जो बदलाव आया है तुझमें कृष्णा, it is outstanding, outstanding। And विंदु पाजी,
You see, great O, because you're such a sport, you're such a darling. A big hand for Bindu Paji. Archana ji, मुझे तीन चीजें बहुत पसंद आई आपके एक्ट में. कृष्णा आपका पागलपन, सुदेश जी आपका पागलपन, और बिंदु जी आपका भी पागलपन. ये पागल एक्ट था. फॉर्मेलिटी ही सही, नंबर्स तो पूछने ही पड़ेंगे. हम साथ साथ हैं. Athar as husband, Priya as Sali, and Tarka Rucha as wife. क्या? कमीनी? तुम्हारे घर से फिर कोई घरवाले आ रहे हैं? Excuse me, आप मिर्जा जलालुद्दीन यहीं रहते हैं? हम तो यहीं रहते हैं, पर आप कहाँ रहती हो? जल्लू, ओ जल्लू. अम्मा ये बेगम कहाँ से टपक पड़ी? हाँ मर गई. तो? अरे क्या तुम? अरे भाई मेहमान हैं, थोड़ा तरीके से पेश आओ, अच्छे से बात करो इनसे. तो मेरी बहन तुम्हारी साली शबनम है. अच्छा. तो ये साली शबनम है, अब पहचाना हमने इसे. अरे बाबा. मुझे एक बात बता. हाँ? फोन पे तो बड़े कह रहे थे कि मैं घर है धर्मशाला नहीं, तब तो बड़े गर्म हो रहे थे आप. अरे गर्म तो अब भी हो रहे हैं. नहीं नहीं, मेरा मतलब गर्म गर्म साली आई है, बहुत दूर से जाके पकौड़े ले आओ. क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत दूर से साली आई है, तो गर्मा गर्म पकौड़े ले आओ, है ना. खुद कांटे तवाना कर लूं मैं इनकी. एक्चुअली अभी 7 साल बाद अमेरिका से आई हूँ, तब तो बहुत छोटी थी जब आपने देखा था. वैसे लगता नहीं तुम अमेरिका से आई हो. वो क्या है ना कि बाहर इतने साल रहने के बाद भी मैं अपने संस्कार नहीं भूली. ये लो, जब संस्कार ही नहीं भूलने थे तो अमेरिका गई क्यों? तुम जाके फ्रेश हो जाओ. हाँ चलो फ्रेश हो जाती. ओए, ओए, हाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? अरे नहीं, हम तो उन्हें बाथरूम तक छोड़ के जा रहे थे. अच्छा, आज तक मुझे कभी नहीं छोड़ के आए. अरे बेगम तुम कहो तो शमशान तक छोड़ के आएंगे तुम्हें. तुम भाड़ में जाओ, भाड़ में. हाँ सेम हेयर. हेलो. अच्छा बात सुनो. ये पानी की आवाज नहीं आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि तुम नहा चुकी हो. टावल दे दूं तुम्हें? हाँ ले आइए. ये दरअसल बात ऐसी है ना कि टावल बहुत बड़ा है, तो दरवाजा खोलना पड़ेगा. खोलो खोलो दरवाजा, खोलो जल्दी. तुम्हारा सर खोल दो. अर्चना जी देखिए, इसके लिए मैंने इतनी चादरें चढ़ाई हैं. अरे तो ये भी तो बताओ कि कहाँ चढ़ाई हैं? सारी चादरें अपने फादर के पलंग पर चढ़ा ली इसने. ए, मेरे घर वालों पे मत जा. अच्छा मेरा मुंह मत खुलवाओ. अर्चना जी हमने इनके वालिद से कहा कि देखिए लड़की अच्छी होनी चाहिए, भले 2 कपड़े में दे दो. साले ने 2 पीस में खड़ी कर दी. वाओ दीदी, शादी से पहले आपको जीजू ने 2 पीस में देखा था. तुम अगर यूं ही बोलते रहे ना तो देखना मैं एक दिन ये घर छोड़ के चली जाऊंगी. अरे तो कभी दिन में भी जाया करो, हमेशा रात में ही भागती है. बताओ सुबह सुबह 4-4 मुस्टंडे छोड़ने के लिए आते हैं. हमने तो परेशान होकर चारों के एक चाबी दे दी. भाई आप कौन रोज रोज उठे हैं? अपना आओ छोड़ो निकल. मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ अपने मायके. मैं जा रही हूँ. अरे बेगम सुनो. अरे बेगम जाओ मत. अरे हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे बेगम. जीजू. हाँ? मुझे आपसे कुछ कहना है. हाय कह दो ना. मुझे प्यार हो गया. हाय फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है. जीजू भैया. आज वो हमें यहाँ पर जज करने के लिए आया है. क्या? श्रेयस, I love you. अरे तो हमने क्या ये पब्लिक शौचालय खोल रखा है? अब जाओ नंबर मांगो. श्रेयस, अब नंबर दे दो. अरे श्रेयस भाई ऐसा कुछ नहीं है, पटवाया नहीं है वो. एक्चुअल में हमारे पास एंड नहीं था, वैसे स्टोरी भी नहीं थी, आप तो देख ही रहे हो, है ना. वो तो ऐसी पटवा दी मेरे में. चलो वैसे ये प्रोड्यूसर से कम किसी के पास पट्टी नहीं है. अभी नंबर दे दो श्रेयस. अर्चना जी कैसी लगी आपको ये अनोखी फैमिली? अथर आपने इतना बढ़िया संभाला, आपके कुछ लाइनें और पंचेज इतने बढ़िया थे, और बहुत पसंद आई आज आपकी परफॉर्मेंस. Yes. क्या बात है भैया, आपने तो पलंग तोड़ परफॉर्मेंस दे दिया.
स्कोर दे दीजिए। मेरे स्कोरिंग में आज एक मार्क एक्स्ट्रा है फॉर द राइटिंग ऑफ दोस पर्टिकुलर लाइंस एंड आथर योर परफॉर्मेंस। 9 points! Wow! रिक्शा में बैठना चाहती हैं श्वेता और रागिनी दोनों। चलिए देखते हैं वो किसका मीटर डाउन करते हैं। प्लीज वेलकम कपिल एज रिक्शा ड्राइवर विद रागिनी एंड श्वेता एज पैसेंजर्स। मैडम नमस्ते, नहीं कर रहा हूँ मैं, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ आपकी। तो मेरी 50 रुपए का छुट्टे लेने अंदर आई, बाद में बाहर ही नहीं आई। शर्म नहीं आती? इतने इतने बड़े सेट लगा के शूटिंग करते हो, 2 रुपए जेब में नहीं है। आप भी आए हैं? बात बताओ मेरे को भाई साहब, गोलमाल 3 में इतने फंबल मारे ना इन्होंने, इतने फंबल मारे बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कहते हैं मैंने हकले का रोल किया। हमें क्या पता नहीं, चलो दबा करो, मैं किन बातों में पड़ गया। मेरे को तो यहाँ से कोई अच्छी सवारी मिले तो मैं निकलूं यहाँ से। ऊपर वाले की माया देखो मैडम, पहले एक लड़की मिली थी टाइम पे नहीं बोलती, 2 मिली दोनों एक ही टाइम पे बोल रही है। आइए मैडम बैठिए बैठिए, आइए। क्यों बिठा रहे हो? पहले तो मैंने आपको आवाज दी थी। पहले आवाज थोड़ी और पहले देती ना, आज ऑटो के पीछे हमारे बच्चों के नाम लिखे होते हैं। जिन्नू मुन्नू ते पप्पी दी गड्डी। चल हट नटखट, पहले मुझे बिठाइए। ए तू यहाँ कहाँ बैठ रही है? पहले आवाज मैंने दी थी। बिल्कुल पहले आवाज मैंने दी थी ना भैया। ए भैया चल हट, आपने आप बैठिए मैडम, इधर बैठिए, आपने दी थी बात। पहले कहा था स्वीट हार्ट, ये क्या कह रही है स्वीट हार्ट? मैडम लगता है आवाज इधर से निकल जाए, हट। आइए मैडम आप बैठिए। अबे एक दल बदलू, ये क्या लगा रखा है, इस ऑटो पे मैं ही बैठूंगी। ऑटो में तू बैठेगी, ऑटो तेरे बाप का है। ऑटो क्या, मुझे तो ये खुद भी अपने बाप की नहीं लगती। इज्जत से बात कर, मैं बहुत ही इज्जतदार खानदान की हूँ, मेरा बाप ना पुलिस में है। पुलिस में? दीदी आप गुस्सा ना करें, आप बैठ जाइए। दोनों बैठो, मैं दोनों को साथ में लेके जाता हूँ, बैठिए बैठिए। मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी। देखो मैडम प्रॉब्लम पता क्या, इधर आओ शुटू गल सुनो। देखो बिठा दो, मैं आपको अपने साथ भी लूं, लेकिन पता क्या है, पिछली बार मैंने एक लड़की को अपने साथ बिठा लिया था, अगले सीजन तक जाते जाते पता नहीं क्या हो गया, 7 साल की सजा हुई मुझे। Shut up, that's not what I meant. मैं इस गांव छाप लड़की के साथ नहीं बैठूंगी। ए गांव छाप किसको बोली बे? साली सड़क छाप, बढ़िया ही मॉडल, तेरे से अच्छी फोटो ना अगरबत्ती के पैकेट पे होती है। नहीं नहीं मैडम, वो पैकेट फिर अगरबत्ती का नहीं होगा। मैं इस गांव छाप लड़की के साथ नहीं बैठूंगी। ए गांव छाप किसको बोली बे? साली सड़क छाप, बढ़िया ही मॉडल, तेरे से अच्छी फोटो ना अगरबत्ती के पैकेट पे होती है। नहीं नहीं मैडम, वो पैकेट फिर अगरबत्ती का नहीं होगा। तू चुप रह, और तू मेरी शक्ल पे मत जा, अभी इस ऑटो वाले को खींच के पप्पू मारूंगी ना तो समझ जाएगी कि मेरी लिपस्टिक ना ब्रांडेड है। पप्पी देंगी खींच के तो लिपस्टिक का ब्रांड पता चलेगा? ऐसे नहीं मानेगी, या करके दिखाओ आप। मैं नहीं मानती, करके दिखा दो। नहीं करके ये मानेगी नहीं, बड़ी जिद्दी लड़की, 3-4 मेरी चिक्की चूस जाओ आप। आप करो मैडम। बकवास, चल ऑटो चला। नहीं नहीं मैडम, मैं तो वैसे ही जनरली पूछ रहा था वैसे। चल मुझे रेलवे स्टेशन लेकर चल। एक सेकंड मैडम, गलत क्यों बोल रही हैं आप? तो कह रही थी आपके पापा पुलिस में, तो पुलिस स्टेशन बोलो आप। अरे रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि मेरी ट्रेन है 10 बजे की। 10 बजे की ट्रेन है? आधा घंटा रह गया, घर से जल्दी नहीं निकल सकती थी? अरे और कितना जल्दी निकलूं, कल 10 बजे की है। एक बात बताओ मैडम, गाड़ी स्टेशन पे जाके पकड़नी की जहाँ से बन के आ रही वहां से जाके पकड़नी है? हेलो हाँ मम्मा, मेरा डायलॉग आने वाला है। या ओ सॉरी, हम तो भूल गए, आपको भी 3 लाख दिया, इधर आइए बैठिए बैठिए। ये पूरे खानदान ने कॉमेडी सर्कस को लूटने का ठेका लिया हुआ है। ओपनिंग में मामा आ जाता है, फिर भाई आता है सुदेश के साथ, अभी ये बहन आ गई, ग्रैंड फिनाले पे मम्मी डैडी को बुला लेना। ओए फैमिली मेंबर सब समझे ना, फैमिली मेंबर मत करना, चुपचाप रिक्शा चला, समझा? मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है। किधर वैसे वेट किधर कर रहा है बॉयफ्रेंड? मंदिर के बाहर। इतनी अच्छी 400 रुपए की ड्रेस पहनी, पुजारी के साथ सेटिंग कर ली? मेरा बॉयफ्रेंड पुजारी नहीं है। तो फिर भिखारी होगा, और मंदिर के बाद का पीछा हटे उसका। फुटवेयर बिजनेस है उसका, जो जो मंदिर में अपनी चप्पलें देते हैं ना उन्हें वो टोकन देता है। खैर आप बैठिए मैडम, मैं दोनों मीटर डाउन कर लूं जरा। दोनों? तुम्हारी ऑटो में दो मीटर किसके लिए? एक सेकंड जरा, ये तो चल मेरी परमानेंट पार्टनर है, तू एक एपिसोड के लिए आई साली तड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से सवाल पूछने की? देखो तुम दोनों अपने झगड़े में मेरा टाइम पास क्यों कर रहे हो, बताओ तुम्हारा भाड़ा कितना हुआ? भाड़ा देखिए मैडम, 30 रुपए सवारी के हिसाब से 90 रुपए।
90 रुपए? जी 90 तो 3 सवारियों के हुए ना। तो मैं तो तुम दोनों की वजह से जा रहा हूँ, मेरा कोई काम थोड़ी ना वहाँ पे। How much you talk? यार just start the रिक्शा नो, चलो मुझे लेट हो रहा है, मुझे कॉलेज जाना है। कॉलेज जाना है? लेट हो रहा है। एक सेकंड मैडम। अरे अरे तुम्हारे ऑटो में तो ट्रेन की आवाज आती है। ये तो कुछ भी नहीं मैडम, प्लेन की सुनो। 50 रुपए और दो, मैं हेलीकॉप्टर की निकालता हूँ। क्या हुआ? No, no, just wanted to hug you and nothing else. देखिए, देखिए मैडम, ऑटो पंक्चर हो गया है, आगे से प्लग बाना निकाल के ना टपनी चेंज करो। मैडम आप घबराए मत, सामने कैफे कॉफी है, लेट्स हैव ए कॉफी। तुम लोग चेंज करके जल्दी मिस कॉल मार देना। मैं क्यों चेंज करूं पंचा, मुझे टायर ठीक करना नहीं आता और मैं नहीं करूंगी। अच्छा टायर भी मैं चेंज करूं, पार्टनर भी मैं चेंज करूं, तेरा दिमाग खराब है? बेवकूफ लड़की, तेरे को मौका मिला यहां पे टैलेंट दिखाने का, इनको पंचर लगा के दिखा, ग्रीस दे, ऑटो साफ कर, अपना टैलेंट दिखाएगी तो अगले सीजन में तुझे पार्टनर बनाऊंगा। क्या मंत्रा का खूबसूरत लड़की टाइम पे तो आएगा, इतनी मोटी पार्टनर दे दी, 8-8 घंटे लेट आता है। परसों तो पैकअप के बाद आया था, लेकिन लड़का बड़ा मेहनती है, कहता आया हूँ कुछ तो करके ही जाऊंगा। इसने बाल्टी में फिनाइल डाल के पूरे स्टूडियो में पोछा लगा के गया है। और जाते जाते 2 कुत्ते कॉम्प्लीमेंट्री नहला के गया है। देखिए मैडम मैं कहता हूँ भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, पहले एक भी ढंकी नहीं थी, दो आ गई है। अब मैं तो कहता हूँ आप जरा दोनों अपना अपना टैलेंट दिखाओ। ए तू तू तबला क्या दे रहा है? फैशन टीवी वाला म्यूजिक दे, वो आस्था चैनल पे आई है। देखिए मैडम 2 लड़कियां, मैं तो कहता हूँ दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है कि मेरे को कौन सी रखनी है, तो सोचना भी मत। पिछली बार लोखंडे आप ही ने ढूंढी थी ना मेरे लिए। नहीं, 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 नहीं। मैं डिसाइड करता हूँ, एक रख लेता हूँ मैं। और श्रेया खुश मत हो, मेरा मोबाइल पड़ेगा फेंक दे रहा है, ऐसे खुश होने लगते हैं। अपने हिसाब से जो ठीक लगे अपने अपने नंबर दो, निकलो यार यहाँ से। आप बताइए कि इनकी नई पार्टनर्स दोनों आपको कैसे लगी? कपिल टुडे ड्यूड यू आर डेफिनेटली द स्टार ऑफ द शो, यू वर सुपर्ब। अर्चना जी, ऑल 3 ऑफ यू गेव सच अ ब्रिलियंट एंड बैलेंस्ड एक्ट, 3 ऑफ यू अ ट्रीट टू वॉच। व्हाट नंबर्स विल यू गिव देम? श्रेयस आपसे शुरुआत करेंगे। 10 अर्चना, इस बार मैंने डिसाइड कर लिया, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग लेस देन अ 10। Please welcome Tarka Vishal as Scarecrow with Vishakha and Mantra as various characters. अरे सुरेश भाई कैसे हैं आप? वैसे अर्चना जी मैं ना बहुत तंग आ गया हूँ इस जॉब से, क्या करूँ, सारा दिन खड़े रहो, जिसका मन करता है धोती उठाता है, लोटा लेकर आ जाता है, लोट पोट करता है और चला जाता है। चड्डी गीली करने की उम्र है, होठ गीले करने वाले गाने पे एंट्री करा रहे हैं लोग यार। हाँ तो मेरे को सुसु करना है यहाँ पे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओए कौन रोक रहा है मुझे, ये कॉमेडी सर्कस है, यहाँ पर सुरेंद्र की थुत्थू और बच्चे की सुसु कोई नहीं रोक सकता। अबे साले सम्मेलन के लिए क्या पूरे गांव को बुला लिया तूने? गांव को नहीं। चुन्नू माँ, चुन्नू हाँ बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? माँ खेत में जो होता है वही करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, पर ये ना मेरे को रोक रहा है। कौन रोक रहा है? अरे अब सरकार भी मान गई, अब पब्लिक को कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी अगर तुझे मैंने 8 साल पहले इसी खेत में रोक लिया होता ना, तो ये जो हो रहा है ना वो नहीं हो रहा होता। अच्छा बता ये झुमरू का बेटा है? झुमरू का बेटा? मम्मी मैं झुमरू का बेटा हूँ, तो घर के अंदर जो टक्कर लाल लाम लाल है जिसको मैं पापा बोलता हूँ वो कौन है? तू सुना नहीं तो मैं बताता हूँ, मैंने तो पूरा लाइव टेलीकास्ट देखा था। बंद कर, अगर तूने ये जुबान खोली ना तो याद रखना यही की यही तुम्हें उखाड़ दूंगी। उखाड़ दो मेरी माँ, महात्मा ने उखाड़ लो, जजेस को भी मालूम पड़े हम भी कुछ उखाड़ सकते हैं। साले सारा का सारा खेत गंदा करके चले गए। वैसे पता है पहले मैं सुरेंद्र के खेत में भी था, एक दिन शाम को आया बोला वीरे वीरे देखना मैं ना नंगिया तारा बोइया ने, देखी सवेरे गिटार निकलूगा। मिलन की रात है भाई, मैं चंपू अपनी कटोरी से मिलने आया हूँ यहाँ पे। कहाँ है रे कटोरी? मैं आ रही हूँ चंपू। कटोरी 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 कटोरी
कचोरी बाबूजी फोन करना कचोरी वहाँ नहीं यहाँ चंपू हाँ कहाँ रह गई थी ये बता पता है सबसे छिपते छिपाते आ रही हूँ मैं ये छिपते छिपाते आई है जिसके पीछे पूरा गांव छिप सकता है वो छिपते छिपाते आई है यहाँ पर चंपू पता है मैं मेरा नाम कटोरी है तो मैं किचन में बिजी तो रहूंगी नहीं ना? नहीं अरे तुम कटोरी नहीं भगोना हो भगोना ए, तुम्हारे अंदर ना चार गांव की बिरयानी बन सकती है एक टाइम पे आओ कटोरी खटिया पे चल के बैठे ताकि गद्दा भी बन जाए बैठो मैं बैठू चंपू बोलो बताओ ना हम शादी कब करेंगे बस आज रात को हनीमून हो जाए उसके बाद शादी का प्रोग्राम बना देंगे चंपू इसी यहाँ पे बहुत खुजली हो रही है अरे इस खेत में तो अच्छे अच्छों की खुजली बढ़ जाती है ए, फिर बीच में वाला जो चले यहाँ पे हाथ ऐसे फैला के खड़ा हुआ है खुजली करने के लिए खुद किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ते होंगे कि भाई साहब खुजली कर दो खुजली कर दो ओहो चंपू क्या हुआ छोड़ो ये सब बातें पहले बताओ तुम मरते दम तक मेरा साथ दोगे ना नहीं बस यहीं पे तुमने कर दी ना गड़बड़ ये इस टाइप की लाइनें बोलती हो इस चक्कर में साथ मिलते हैं मरते दम तक साथ दोगी तुम्हारी लाइन होनी चाहिए मरते दम तक 9 दोगी ना मरते दम तक 10 दोगी ना दोगी ना जब भी मैं इस मंच पर आता हूँ बड़े फख्र के साथ कहूंगा कि पहली बार आया था मेरी फिल्म हम वेलकम टू सज्जनपुर के लिए जो काफी लोगों को पसंद आई जो बड़ी हिट रही और दूसरी बार हम तुम शबाना के लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी ये जो लकी फैक्टर है मेरे लाइफ का वो यहाँ भी काम आएगा तच्छुण, 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 तच्छुण। मैं सबको बताना चाहूंगा कि हमारे मंत्रा जी जो है वो हम तुम शबाना में भी है मुझे इस एक्ट में 3 चीजें बहुत पसंद आई विशाल आपने स्टेज को अकेले संभाला वेरी नाइस विशाखा हैट्स ऑफ फॉर योर फिजिकल एंड बॉडी ह्यूमर अमेजिंग एंड मंत्रा जी आपका अंदाज मुझे बहुत पसंद आया लव्ड यू ऑल सुपर 9 पॉइंट्स वेल डन यूसुफ साहब ए भाई भाई ले भाई बच्चे को गिफ्ट देने आए हैं सांता अब उनको वापस जाने ना देगी उस बच्चे की अम्मा देखिए सांता की बेल बजती है या फिर बैंड प्लीज वेलकम भारती एज सांता सिद्धार्थ एज बेटा एंड तड़का उषा जी एज माँ अरे मंत्रा मेरी क्रिसमस सोहेल भाई मैं सोहेल अंकल ये श्रेयस तिरुपति जैसे क्यों दिख रहे आप वही हो ना माँ मुकाबला वाले क्या फायदा आखिर यही आना पड़ा ना हे लेकिन ना मेरी मम्मी को बताना नहीं है मेरी क्रिसमस वो क्रिसमस के नाम से बहुत भड़क जाती है क्यों भड़क जाती है मालूम नहीं लेकिन मेरी मम्मी बहुत अच्छी है माय मम्मी स्ट्रांग गेस्ट वो ना वो किसी भी गाने पे नाचते मालूम है परसों मेरे को 5 छिके आई उसमें भी नाची छिक 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 और छिक तो छोड़ो परसों मेरे को गैस हो गया था उसके ऊपर उन्होंने ब्रेक डांस किया रितिक 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 अरे बेटा तुझे कितनी बार बोला है राहुल के बेटे के साथ मत खेला कर समझता नहीं है हाँ मेरे को बोलती है राहुल के बेटे के साथ खेल मत और खुद शर्मा अंकल के साथ खेलती रहती है ए, माँ जी सटक लिया राहुल के बेटे के साथ नहीं खेलने का राहुल के बेटे के साथ खेलने की अच्छी संगत नहीं, नहीं है? है और तुम अंकिता लोखंडे के साथ सीरियल करती हो अच्छी संगत है चल हंसा गाय को सो जा हाँ मेरे को सोने को बोलती है और रात भर खुद जागती है अच्छा मम्मी मैं सोचा हूँ सो जा मेरा बच्चा सो जा ओह मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस ओह माय चाइल्ड ओह मैरी क्रिसमस अर्चना आ गया, ओ माय चाइल्ड
मैं तो आ गया लेकिन तू भी आ गया। सैंटा क्लॉज। हट, तू काटता नहीं है? नहीं, मुझे प्यार, मुझे प्यार करो, मुझे गिफ्ट दे दो, मुझे प्यार करो। प्यार करूं? हाँ। जैसे तुम्हारी शक्ल है ना, तेरे को गालियां देने का मन करता है। क्या हुआ मेरी शक्ल को? दांत देखे अपने? सफेद है। गंदे गंदे है। एक बात बता। हाँ। तेरी मार तेरे को बेड में सुला के जाती कि हुक पे टांग के जाती है? मेरे को ना मम्मी मेरे को हुक पे टांगती है। मेरे को बोलता है तू देख इतना सफेद सफेद सफेद, इतना सफेद है लगता है टाइड की ऐड कर रहा है। चौंक गए? कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा तेरे को। सॉरी सॉरी सॉरी, गिफ्ट देना गिफ्ट देना, ए देना देना गिफ्ट देना देना, ए गिफ्ट देना, ए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मांग क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ना मुझे ब्लैकबेरी चाहिए, एप्पल चाहिए। ए ब्लैकबेरी एप्पल है, आजकल बुट्टे का सीजन है, खा चल निकल। और क्या क्या है तेरी बैग में? देखू मैं, देखू देखू और क्या क्या, क्या दस दस। वैसे तो आजकल हमें ये लोग प्यार से दस दस दे ही रहे हैं, पर फिर भी आज उषा ताई आई है, इनका कोई भरोसा नहीं, अगर उसको कम दे दिए तो सीनियर एक्टर है बुरा मान जाएगी। उषा ताई मैंने 10 नंबर दे दिए तुम्हें, अब जितना मर्जी गंदा करो। ये रेड एंड हॉट कौन है? अरे जाने मन, जाने मन मुझे प्यार करना, जाने मन। अबे हट बुढ़िया, सांता क्लॉज हूँ मैं, सांता क्लॉज। अरे इसलिए तो क्लोज आ रही हूँ रे। क्या दांत निकाल के देख रहे? लाइन मारता है तेरे माँ की उम्र की हूँ मैं। लाइन मारनी है ना, डैडी को जाके बोल, देख लूंगी। ओ उषु, आई लव यू उषु, आई लव यू, आई लव यू टू सेंटू। और अमिताभ बच्चन सवाना आदमी से इस प्यार में बीच में आ गया जीवन यानी मैं। माँ मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। माँ इधर आ। ये क्या कर रही थी इसके साथ? अभी ये उम्र में श्रेयस तलपदे तो कहाँ ढूंढने जाऊँ मैं? तुम मेरे डैड नहीं बन सकते। मुझे अपना डैड बनाओगे ना तो रोज गिफ्ट मिलेंगे तुम्हें। अबे मुझे गिफ्ट डायरेक्ट चाहिए, मम्मी थ्रू नहीं चाहिए। और तू मेरा बाप बनेगा तो स्कूल में नाम क्या रखूंगा मैं? सिद्धार्थ रामचंद्र सांता क्लॉज ज्यादा। ए दाढ़ी तू नहीं बन सकता मेरा डैडी। अरे शर्मा अंकल आप। कपिल तुझे शर्म नहीं आती? जल्दी क्यों आया? कपिल शर्मा बोलो अर्चना, हमारे एक्ट का तो कोई एंड हुआ नहीं और ना ही सांता और उषु के प्यार का एंड हुआ, लेकिन लास्ट में उसने शर्मा और उसने कपिल बोला तो एक्ट अच्छा हुआ। फटाफट बता दो अर्चना और श्रेयस कि कैसा लगा हमारा एक्ट? श्रेयस आपसे शुरुआत करेंगे, आपको कैसा लगा इनका एक्ट? बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट सिद्धू तू जा एनर्जी ने शुरुआत के लिए होती ना सुपर्ब। आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑन दिस स्टेज वेयर द एंटायर वर्ल्ड सीज यू एंड यू आर अ वेरी 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 फाइन एक्ट। एंड उषाताई द ओनली कमेंट दैट आई कैन पास इज I am truly honored today. Thank you so much. Usha ji, मुझे आज आपके परफॉर्मेंस में आपका छुट्टापन बहुत पसंद आया। और सिद्धार्थ आपके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। These marks are equally divided between the three. 9 points. Cheers. 9 points. Cheers. Rajiv as Totaram, Tadka Ravi as Dukandar and Sugandha as various characters. Yasna ji, main hu Tota. Ab main subah subah uth gaya hu to sabse pehle acha kaam kar lu. Facebook pe status dal deta hu. Are Archana ji, subah subah status dal ke aayi hain aap to? Kya status? Aaj comedy circus ki shooting hai, faltu mein hansna padega. I am very hungry.
नीचे विपुल जी का मैसेज आया है, ओ हंग्री यंग मैन। वाह वाह वाह। और नीचे जी अपने प्रोडक्शन वालों ने भी कमेंट किया है, ओहो तीन ट्रक पनीर खत्म होगा आज। नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार। नमस्कार श्रेयस जी। आप लोग सोच रहे होंगे ये दुकानदार यहाँ डांस क्यों कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे अच्छी तरह पता है कि ये लोग मुझे बाद में लाइन लुइन तो देंगे नहीं, इसलिए मैंने अपना टैलेंट दिखा दिया। तो तराम 10 नंबर लेने। साले यहाँ पर स्टैंड अप कर करके हमें 10 नंबर नहीं मिले, तू डेली 100 वाला हमें 10 नंबर दिलाएगा? ओए जान से मार दूंगा, यहीं गाड़ दूंगा, तेरे कपड़े फाड़ दूंगा, मुंह पे कीचड़ से पोंछ के लिख दूंगा क्रांति, अगर मेरे डेली सोप की बेइज्जती करी तो। वाह जी वाह, डेली सोप की बेइज्जती करी, ये डेली सोप वाले हर हफ्ते आके हमारी कॉमेडी सर्कस की बात लगा के जाते हैं। तेरे सर पे बीट करूंगा मैं, देख लेना। ओए नोबडी कैन बीट मी, हट। Excuse me? आपके पास सामान मिलेगा? ओ तो आराम, यहाँ सामान सामान मांग रहा है यार, आज तो लॉटरी लगी है। एकदम उत्तेजित है, उत्तेजित वो सुरेंद्र की तरह। अरे उसका मत पूछ, वो तो इतना उत्तेजित होता है नाली में साबुन की झाग दे के खुश हो रहा होता है। फौजा नहा रही है, साबुन लगा रही है। प्लीज यू बोथ शट अप, हां मैं लेट हो रही हूं, मुझे म्यूजिक का सामान खरीदने जाना है, आई एम गोइंग। एक मिनट, ये ये देखिए बाबा आदम के जमाने का रेडियो है, अकबर साहब इस पे बैठ के गाने सुना करते थे तानसेन के। और ओह गॉड, ये घटिया सा रेडियो मुझे नहीं चाहिए। सुनो कोई सीडी पर हो तो पैक करो, आई एम गेटिंग लेट, मुझे ज्योतिष के पास जाना है, मुझे अपना भविष्य जानना है। मैडम मैडम मैडम, हम हमारे पास ज्योतिष की भी सेवा है। ये really? ये क्यूट मेरा प्यारा सा तोता, ये कब काम आएगा, ये भविष्य भी सुनाता है। आना अबे मैं कैसे मानूं? ओके वेट, टेस्ट करते हैं, तुम बताओ विशाखा एंड मंत्रा के बारे में, उनका भविष्य। 2 एपिसोड। क्या यानी कि 2 एपिसोड के बाद वो एलिमिनेट हो जाएंगे? नहीं नहीं, 2 एपिसोड उन्होंने और अच्छे कर दिए तो तू एलिमिनेट हो जाएगी। देखो लिसन लिसन, एक्चुअली मैं शादी करवाना चाहती हूँ, तो बताओ ना मेरी शादी कब होगी? आपकी शादी मैडम वो एक गिलास दूध सफेद गाय को पिला दो। एक गिलास। अरे एक गिलास पिलाएंगे तो 1.5 लीटर निकालेंगे भी तो। सच? हाँ हाँ। सीरियसली? सीरियसली। तो तुम्हारे पास झाड़ू होगा? है? और तुम्हारे पास वो 9 नंबर का जूता होगा? है जी है। 9 नंबर का जूता? जूता भी है? यार ये डायलॉग तो सुना हुआ सर लग रहा है, नहीं? और ये शक्ल तो कहीं देखी देखी नहीं लग रही, और ये झाड़ू मैं बीवी हूँ इसकी, अपनी बीवी की शक्ल भूल गया? झाड़ू की आवाज़ याद होगी? है बड़ी आज की झाड़ू मेरे को झाड़ी, इसको झाड़ी, उन्हीं के पट्टे क्या कर रहा है तू, मरवा दिया मुझे। अरे मैं नहीं पहचान पाया, तू ना पहचान लेता मुझे। प्लीज अच्छे मार्क देना अर्चना जी, अब आ जाओ, खत्म हो गए। आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी, बड़ा मजा आया। आई फाउंड इट वेरी स्वीट, इट वाज वेरी क्यूट, एंड ऑल थ्री ऑफ यू वर रियली रियली वेरी गुड। थैंक यू। अर्चना जी, मुझे एक्ट तो अच्छा लगा, मुझे आप तीनों की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी, लेकिन रवि यू आर द सरप्राइज पैकेज, यू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल कॉमिक टाइमिंग, सो यू शुड एक्सप्लोर दैट। आप कितने नंबर देंगे? श्रेयस आपसे शुरुआत करेंगे। 9 points, Arshana ji, 8 points, well done. Shreyas, जाने से पहले एक बार आपको thank you very much for coming back to the show. Thank you very much. हमारे audiences को हम बता दें कि ये धमाल यहीं पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि कल के एपिसोड में हम तुम शबाना के दूसरे स्टार तुषार कपूर यहाँ होंगे हमारे साथ, तो don't forget to tune in tomorrow night, same time, same place.